नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं गंगानगर मेले में। तो आप देख रहे हो ये स्टेट फार्म, कोमल स्टेट फार्म पे अपन पहुंचे हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और इनके घोड़े के बारे में। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सबसे पहले तो जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं सामने से, उनको अपने बारे में और अपना परिचय दीजिए जी। मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है जी, और साथ में मेरा भाई है जी। जी मेरा नाम हरप्रीत सिंह पुल्लर है। अच्छा अच्छा। और हमारा कोमल स्टेट फार्म है श्री मुक्तसर साहिब जी। जी हमारा घोड़ा है शान, और ये दिलशान का बच्चा है, फूल सिंह जी वाले दिलशान का जी, और आलीशान का पोता है जी। इसकी मदर है लीलन, फूलमाला इनकी घोड़ी है। अच्छा। ये डिगाने ब्रीड हुआ है जी। और हम बात करें अपन इसके, हमके पास 5 साल से आप ही के पास है जी। जी बात करें अपन इसकी हाइट की, तो हाइट और उम्र के बारे में। इसकी हाइट है 65+ जी, और 5 साल का हो गया है। 5 साल का हो गया, मतलब 19 मई को 6 साल का हो जाएगा। 5.5 साल का लगा लो आप। अच्छा, तो आप ही के नाम से, मतलब ये फार्म जो चल रहा है आपके नाम से ही है जी। तो भैया भी है पर आपके नाम से ही ऐसा जैसे, तो फिर इसके बारे में। भैया और पापा का ही डिसीजन था कि मेरे नाम पर होगा फार्म। अच्छा अच्छा, तो आप ही उनसे पूछें जी। भैया इस बारे में आप, इसको बचपन से ही बहुत शौक था। अच्छा, और गोड़ियों का। अच्छा, तो इसलिए इसके नाम पर ही हमने स्टार्ट फार्म का नाम रखा। इनके नाम पर ही। जब ये छोटी सी थी ना जी, 7-8 साल की जी, तब से हमारे पास गोड़ियाँ होती थी। अच्छा, इसको बहुत शौक था राइड करने का। तो राइड कर लेते हो आप जी सारा, और देख रेख भी कर लेते हैं। तो क्या उम्र में ही ये राइड करने लग गए थे आप? छोटी उम्र में ही हमारे घर पे होते थे। अच्छा। पहले मेरे दादाजी रखते थे और फिर पापा, और फिर हमने मतलब और बढ़ा दिया काम। मारवाड़ी में फिर आए हम, पहले हमारे पास मतलब मारवाड़ी नहीं थी। अच्छा। बाद में हमने मारवाड़ी रखने शुरू की, तो तब से मैं इनमें इनका शौक पड़ गया मुझे। अच्छा, जहाँ भी मेला होता है वहाँ डिस्प्ले के लिए भी आप लेके जाते हो सारे? तो कितने घोड़े घोड़ियाँ अभी ये बात करें अपन? हमारे पास है 11-12 घोड़े। 11-12, तो देख रेख के लिए जैसे देखा जाए तो आप ही, मतलब सारा इनका जो है देख रेख के लिए सारा आप ही करते हो। तो क्या दिक्कतें आती होगी इनके रख रखाव में? ऐसे दिक्कतें तो वैसे इनका संभाल बहुत करनी पड़ती है हमको। अच्छा अच्छा। और अगर डिसीजेस की बात करें तो उसमें तो हम सबको पता कि घोड़ों को कॉलिक की प्रॉब्लम होती है। अच्छा। कॉलिक की अलग अलग टाइप्स होती हैं, फास्ट मॉडिक कॉलिक और वैसे भी डस्ट वाला कॉलिक। तो उसका ध्यान रखना पड़ता है कि इनको जो भी दाना देना पड़ता है वो इनको मतलब मिट्टी नहीं होनी चाहिए उसमें, तो इनको कॉलिक की प्रॉब्लम आ सकती है। और वैसे भी इनको डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। अगर हम इनको डाइट देते हैं तो इनको एक्सरसाइज करवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे सारे हमें स्टेप्स देखने पड़ते हैं जी अच्छे से। बात करें अपन डाइट की, तो डाइट में क्या क्या इनको देते हो जैसे? डाइट तो जैसे चेंज हो जाती है गर्मी और सर्दी में, जैसे अब चल रहा है बाजरा, जवी, चने, ऐसे करके। और एक्स्ट्रा डाइट जैसे दूध वगैरह काफ़ी लोग देते हैं, तो उसमें क्या देते हो आप जैसे? इसको दूध, दही और लस्सी भी दे देते हैं। दूध से ज़्यादा बेहतर हमें दही लगता है तो वो देते हैं। कितना देते हैं मात्रा उनकी? वो ऐसे हम मिनके नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा है कि हमने इसको बहुत शौक से पाला है। अच्छा। ये मतलब अगर हम दोनों भाई बहन हैं तो ये हमारा तीसरा भाई है। अच्छा अच्छा। तो जो भी मतलब सारा इसके लिए डाइट के लिए आप दे देते हो? स्पेशल डाइट होती है हमारी, स्पेशल बर्तन है जी। हाँ, पूरा भरकर देते हैं इसको, मिन के नहीं कभी डालना है कितना देना है पूरा, मतलब खुला। तो कहते हैं ना मिन के कभी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। अच्छा अच्छा। लगती नहीं है तो इसको जितनी होती है उतनी खिला देते हैं। अच्छा, अपने आप एडजस्ट कर लेता है ज्यादा, वो शुरू से ही आप देते आए हो तो वो कोई दिक्कत ही नहीं। बात करें अपन जैसे कुछ जो सावधानियां जो आप बताना चाहोगे कि घोड़े पालने वाले के लिए, या आप एक्स्ट्रा जो है कुछ बताना चाहोगे सावधानियां क्या रखी? जैसे मैंने पहले कहा कि इनको कॉलिक की प्रॉब्लम हो जाती है, वो तो हो गई बीमारियों के बारे में, वही उनका सबसे ज्यादा ध्यान उस बात का रखना पड़ता है ना। और वैसे हमारे लोग क्या करते हैं, डाइट बहुत दे देते हैं जी, घोड़ों को जी। पर जो मेन बात है इनको डाइट नहीं, इनको एक्सरसाइज की भी बहुत जरूरत होती है। अच्छा। क्योंकि अगर हम डाइट देंगे तो उससे इनको प्रॉब्लम आएगी। डाइट चाहे कम भी दे दे बट इनकी एक्सरसाइज करवाना बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज का स्टेप हो गया इनकी ग्रूमिंग, तो ग्रूमिंग हमको रोज करनी पड़ती है। सुबह शाम हम ग्रूमिंग करते हैं और फिर हाथ से मसाज करते हैं। पहला खरखरा पुश नहीं करते, उसके बाद इसकी मसाज भी होती है। अच्छा, वो डेली रूटीन रहता है? डेली रूटीन
रहता है, मसाज और एक्सरसाइज और सवारी भी आप करते होंगे। 5 बजे उठते हैं तो इनमें ही रहते हैं सारा दिन। अच्छा जी। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, लेबर भी रखी हुई है, बट खुद काम करना हमें पसंद है क्योंकि इनमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, जब तक मतलब आप नहीं करते तो संतुष्टि नहीं हो पाती होगी कि भाई, क्योंकि हम इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर हम इनको शौक से रख रहे हैं तो इनके साथ क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे। खुद डाइट डालनी है, खुद मालिश करनी है, सब कुछ खुद ही करते हैं। अच्छा, आप खुद देखते हो? आपने अंदर देखा ही होगा। जी मैंने देखा अंदर, थोड़ा सा मैंने वीडियो भी बनाया उनका, वो मैं डालूंगा इसमें। बहुत मतलब केयर रखनी पड़ती है एक पशुपालक को, जितना अपन एक मान के चले कि एक परिवार के सदस्य की तरह इसको रख रखाव। जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं ना, ऐसे पालना, ऐसे पालने पड़ते हैं। अच्छा जी। तो मेले में तो सारी व्यवस्था, जैसे अभी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ, और बाकी कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? हम आज पहुँचे हैं अभी जी, 2-3 बजे पहुँचे हैं, तो बहुत अच्छा मेला है। मतलब काफ़ी टाइम से मंडी नहीं लग रही थी, जैसे हम मुक्तसर में हैं, दशहरे पर भी नहीं लगी और अमृतसर भी नहीं लगी मंडी दिवाली वाली, काफ़ी समय बाद ही मंडी लगी है, तो अच्छा लगता है। तो हर जगह लेके जाते हो घोड़े जी मेले में? कोशिश करते हैं इसको हर जगह लेकर जाएं, पुष्कर नहीं जा पाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। जी मैं वही से ही हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ पुष्कर से। वहाँ नहीं जा पाए, इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, बाकी कोशिश करते हैं सभी जगह लेकर जाएं। आने वाले जो आसपास के मेले हैं उनके बारे में जरा बता पाएंगे, कहाँ शो में इसको उतारेंगे? जैसे अब फरीदकोट शो भी आ रहे हैं, अभी वैसे डिसाइड नहीं हो पा रहा, वैसे फरीदकोट शो की तो मीटिंग हो गई है जी। बाकी ये है कि ग्लैंडर्स करके बहुत मंडियां नहीं लगी, जैसे मुक्सर वाली मंडी भी कैंसिल होगी, तो अब बाकी मंडी लगेगी मुक्सर में, उसमें लेकर जाएंगे और शो आएंगे, जो भी शो आएंगे हम उसमें लगाएंगे। सारंगखेड़ा भी 25 दिसंबर को है, पिछली बार भी ये वहाँ से जीत के आया, और इस बार भी सोच रहे हैं फिर लेकर जाएं। और सारंगखेड़ा हो गया, फरीदकोट शो हो गया, मुक्सर मंडी हो गई, अभी बाकी शो का डिसाइड नहीं हुआ, हनुमानगढ़ शो भी आएगा, इधर ही आएगा। अच्छा जी, तो वहाँ भी लगाएंगे। जी भैया, आप कुछ कहना चाहोगे? जी मैं तो यही कहूँगा, अभी बहुत अच्छा शौक है जी, जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं जी उनको जरूर रखने चाहिए जी। खेती के साथ ये बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया बिजनेस भी है। अच्छा अच्छा, मतलब पालने के साथ साथ आय का भी एक बड़ा साधन है। तो बिजनेस के बारे में जैसे कहाँ कितना क्या जैसे लाभ हो पाता है, होम ब्रीड वगैरह किस में ज़्यादा जैसे लाभ हो पाता है, या फिर घोड़े की क्वालिटी पर और उसकी ब्लड लाइन पर मैटर करता है जी, उसके हिसाब से बिजनेस होता है जी, उसके हिसाब से बिजनेस होता है। होम ब्रीड हमारे पास जो भी बच्चे हैं होम ब्रीड है, हम खुद के घर में हर एक साल अच्छे घोड़ा घोड़ी ब्रीड करते हैं, फिर उनको बेचते हैं या रखते हैं या शोज में लगाते हैं जी। ऐसा है कि मारवाड़ी का आपको भी पता है अब कहाँ तक इसका प्राइस पहुँच चुका है, तो ये बिजनेस वैसे ही आपको भी पता है बहुत अच्छा है। अब इनकी कीमत बहुत बढ़ चुकी है घोड़ों की, कीमत तो देखो इनकी घोड़ों की कहा जाता है कि कोई कीमत मायने नहीं रखती है, क्योंकि बिजनेस की बात कर रहे हैं तो मैं वहाँ कह रही हूँ कि आपको भी पता है कि मारवाड़ी ने अब ऑल इंडिया लेवल में वर्ल्ड वाइड, हाँ इसने बहुत नाम कर लिया मारवाड़ी ब्रीड में। पुष्कर भी आप देखते हो कितने फॉरेनर्स आते हैं, हमसे भी हमारा पेज है, बहुत लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, तो ये बहुत ऊपर वाले लेवल पर पहुँच चुकी है मारवाड़ी। अच्छा, पालने के साथ साथ आय का भी एक बड़ा साधन है, जो किसान लोग हैं वो पाल सके इसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स को अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद।